आज हम जीडी सोशल स्टडीज़ के यूनिट 3 सिविक्स एंड गवर्नमेंट का लेसन 5 पढ़ेंगे, जो क्या है द रोल ऑफ द सिटीज़न। सबसे पहले इस लेसन में हम सिटीज़नशिप के बारे में सीखेंगे। अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड अ नेशन। सिटीज़नशिप जो है वो एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप होता है एक इंसान और उसकी नेशन के दरमियान। The nation owes the person certain rights and the person has certain obligations to the nation. Nation जो है वो एक person को जो है वो rights देती है और जो person है उसके पास certain obligations होते हैं, यानी उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं nation के लिए। The citizens of the United States have both rights and responsibilities. United States के जितने भी citizens हैं उनके राइट्स भी हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, यानी कि उनको अपनी नेशन से जो है राइट्स भी मिलते हैं, हकूक भी मिलते हैं और इसके साथ साथ उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं अपनी नेशन के लिए। पीपल बॉर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑटोमेटिकली बिकम यूएस सिटीजन्स नो मैटर व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस। ऐसे लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा होते हैं वो ऑटोमेटिकली यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स बन जाते हैं, और इसमें ये मैटर नहीं करता कि वो किन हालात में जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में तब थे जब वो वहाँ पर पैदा हुए। इफ़ यू आर बोर्न इन अनदर कंट्री बट वन ऑफ योर पेरेंट्स वॉज अ यूएस सिटीजन देन यू आर ऑल्सो अ यूएस सिटीजन। अगर आप किसी और कंट्री में पैदा हुए हैं लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई एक यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीज़न था, तब भी आप यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीज़न होते हैं क्योंकि आपका एक पेरेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीज़न है। इमिग्रेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ कैन बिकम यूएस सिटीज़न थ्रू अ लीगल प्रोसेस कॉल्ड नेचुरलाइजेशन। अंडर एज चिल्ड्रन आर नेचुरलाइज्ड अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स। इमिग्रेंट्स जो कि दूसरी कंट्रीज से जो है वो आते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में, और फिर एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स बन जाते हैं, तो उस प्रोसेस को नेचुरलाइजेशन कहा जाता है। और अंडर एज चिल्ड्रन यानी कि जो 18 से नीचे की एज के जो बच्चे होते हैं, अगर उनके माँ बाप जो है नेचुरलाइज होके सिटीजन्स बन चुके हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही नेचुरलाइज्ड हो जाते हैं। सिटीजनशिप के बाद अब हम राइट्स ऑफ सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिटीजन्स के हकूक। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप्स आर इस्टेब्लिश्ड इन द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स। जो सिटीजनशिप्स के जो राइट्स हैं, जो हकूक हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली 10 अमेंडमेंट्स थी उनमें इस्टेब्लिश किए गए, और उन 10 अमेंडमेंट्स को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द यूएस सिटीजन्स इज आर राइट टू पार्टिसिपेट इन आर नेशंस पॉलिटिकल लाइफ। जो कुछ हकायक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हकायक हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स को मिले हैं वो ये है कि वो जो नेशन की पॉलिटिकल लाइफ है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूएस सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट, होल्ड पब्लिक ऑफिसेस एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न देम। यूनाइटेड स्टेट्स के जो सिटीजन्स हैं उनके पास ये हक है कि वो वोट कर सकें, पब्लिक ऑफिसेज चला सकें, और इसके साथ साथ अपनी मर्ज़ी से ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकें, चूज़ करें जो कि उन्हें गवर्न करेंगे, जो यानी कि जो उन पर हुकूमत करेंगे। इन अ फेमस फ्रेज इन द गेटिसबर्ग एड्रेस अब्राहम लिंकन सेड, We have a government of the people, by the people and for the people. गेटीबर्ग के जो एड्रेस है उसकी एक फेमस फ्रेज़ है जो कि अब्राहम लिंकन ने कही थी, और उस फ्रेज़ में अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों की है और लोगों की तरफ से है और लोगों के लिए, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों की गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट जो लोग चलाते हैं उन्हें जो इलेक्ट करते हैं वो भी सिटीजन्स करते हैं,
और वो गवर्नमेंट जो है वो उन सिटीजन्स के लिए ही होती है। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप के बाद अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक यूनाइटेड स्टेट का सिटीज़न जो है वो करता है। As Lincoln's famous remark implies, a government by the people requires that citizens take responsibility. जैसे कि अभी हमने इब्राहम लिंकन की एक फ्रेज पढ़ी थी गैटिसबर्ग के एड्रेस में से, उस फ्रेज के मुताबिक बाय जो गवर्नमेंट है लोगों की तरफ से, उसके गवर्नमेंट को चलाने के लिए सिटीजन्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। वी मस्ट अपहोल्ड द लॉज ऑफ आर कंट्री, जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन्स की है वो ये है कि वो अपने कंट्री का जो लॉ है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। वी मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द नेशनल वेलफेयर, इसके साथ साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स हैं उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नेशनल वेलफेयर जो है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें। आर टैक्सेस पे फॉर सर्विसेज दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू बेनिफिट एवरीवन, जो टैक्स जो है सिटीजन्स पे करते हैं वो उन सर्विसेज के लिए होते हैं जिनके ज़रिए जो है जो बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट जितने भी सिटीजन्स हैं उनको पहुंचाती है। बाय वोटिंग वी नॉट ओनली चूज आर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बट वी आल्सो हेल्प टू मेक द पॉलिटिकल प्रोसेस मीनिंगफुल फॉर एवरीवन, वोट करने के ज़रिए से ना सिर्फ हम अपनी मर्ज़ी से चाहे अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं बल्कि इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसे भी दूसरों के लिए जो है वो मीनिंगफुल बनाते हैं, यानी कि बामायने बनाते हैं। थ्रू नेशनल सर्विस सच एज मिलिट्री सर्विस, होल्डिंग पब्लिक ऑफिस और पार्टिसिपेटिंग इन वॉलंटियर प्रोग्राम्स लाइक टीच फॉर अमेरिका, सिटीजन्स मे डिवोट ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजनशिप्स। नेशनल सर्विसेज के ज़रिए जैसे कि मिलिट्री सर्विस या पब्लिक ऑफिस चलाना या वॉलंटियर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना जैसे कि टीच फॉर अमेरिका, इन सब सर्विसेज करने की वजह से जो सिटीजन्स हैं वो अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल जो है वो डिवोट करते हैं सिटीजनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद अब हम गिव एंड टेक्स ऑफ सिटीजनशिप पढ़ेंगे। आर ज्यूरी सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द गिव एंड टेक ऑफ सिटीजनशिप, जो यूनाइटेड स्टेट्स का ज्यूरी सिस्टम है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिटीजनशिप के गिव एंड टेक की। ईच ऑफ अस इज़ गारंटीड द राइट टू अ फेयर एंड स्पीडी ट्रायल इफ़ वी आर अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, अगर यूनाइटेड स्टेट का कोई भी सिटीजन जो है उस पर किसी भी क्राइम का इल्ज़ाम लगता है तो उसे इस बात की गारंटी दी जाती है और इस बात का हक दिया जाता है कि उसका जो ट्रायल होगा वो स्पीडी होगा, यानी तेज़ी से होगा और इसके साथ साथ फेयर होगा। We are also obligated to serve on juries or as witnesses when we are called by the court system. हमारे पे ये ज़िम्मेदारी भी है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स पे, कि वो जूरी की तरह सर्व करें या विटनेस के तौर पर सर्व करें जब भी उनको कोर्ट सिस्टम की तरफ से बुलाया जाए। The fairness of our legal system depends on citizens participating on that system. जो लीगल सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का उसकी जो फेयरनेस है वो डिपेंड करती है कि सिटीजन्स जो हैं उस सिस्टम में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। अब हम कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स को करनी होती हैं या यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स करते हैं। Many citizens contribute their time and money in other ways that serve society as whole.
बहुत से सिटीजन्स जो हैं वो अपना टाइम और अपना जो पैसा है वो बहुत सी मुख्तलिफ और जो है वो वेज या रास्तों पे सर्व करते हैं जिससे वो अपनी सोसाइटी को जो है वो सर्व कर सकें. पीपल वॉलंटियर टू सर्व ऑर्गेनाइजेशंस इन देयर कम्युनिटीज़ बाय सर्विंग मील्स इन शेल्टर्स, फंड रेजिंग फॉर स्कूल्स, ऑफरिंग फ्री मेडिकल सर्विसेज एंड ETC. जो लोग हैं वो वॉलंटियर के तौर पर ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करते हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकें. और उन कामों में है जैसे कि शेल्टर्स में जो है वो खाना सर्व करना या स्कूल्स के लिए फ़ंड रेजिंग करना या फ्री मेडिकल सर्विसेज देना और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे काम. पीपल ऑल्सो गिव मनी टू कॉजेस दे थिंक आर इम्पॉर्टेंट सच एज पोलिटिकल कम्पेन्स, फूड पेंट्रीज एंड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. लोग जो हैं वो कुछ अपने पैसे भी जो है ऐसे कॉजेज के लिए देते हैं जो उनके मुताबिक इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि पोलिटिकल कम्पेन्स के लिए या फूड पेंट्रीज के लिए या इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. मैनी सिटीजन्स वर्क हार्ड टू कंडक्ट देयर डेली लाइव्स इन वेज दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द जनरल वेलफेयर बाई रिसाइकलिंग, क्लीनिंग अप ट्रैश एंड लुकिंग आउट फॉर देयर नेबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स. बहुत से सिटीजन्स जो हैं वो हार्ड वर्क करते हैं ताकि अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसे उसके ज़रिए जो है जनरल वेलफेयर को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें. और उन कामों में जो है रिसाइकलिंग का काम आता है या ट्रैश को साफ़ करने का काम आता है या अपने नेबर्स या अपने फैमिलीज मेंबर्स को लुक आफ्टर करने का काम आता है. आज के हमारे GED सोशल स्टडीज़ Unit 3 सिविक्स एंड गवर्नमेंट का Lesson 5 द रोल ऑफ द सिटीज़न यहीं पे ख़त्म होता है. आई होप आपको इसकी समझ आई हो.